नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी कॉर्न चपाती रोल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है, मैदा नहीं लिया है। ये मैंने 10 मिनट पहले आटा गूंथ के तैयार कर दिया था। अब मैं इसको लास्ट में थोड़ा सा घी लगा के उसके साथ इसको फिर से रेडी कर रही हूँ। इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे मैंने गैस पे तवा रख लिया है और हमने फ्लेम ऑन कर दी है। इतने हमारा तवा गर्म होता है, इतनी देर हम अपनी चपाती तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा आटा ले लिया है। यहाँ पे उसका पेड़ा बनाकर हम इसकी रोटी बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लिया है हमने, तो इसको हम इस तरह इसकी रोटी बेल लेंगे। जैसे हम आम नॉर्मल रोटी बनाते हैं तो उससे थोड़ी सी ये बड़ी होगी साइज़ में और पतली। इस तरीके से आप इसको बेल लें। और इसका डो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, जैसे कई बार लोग पतला आटा तैयार करते हैं वैसा ना हो ये। और ये यहाँ पे हमने बेल के तैयार कर लिया और मैं थोड़ी सी इसको हाथ के साथ ऐसे करूँगी, क्योंकि जो भी इस पर एक्स्ट्रा सूखा आटा होगा वो भी इससे झड़ जाता है नीचे और ये बढ़ जाती है और भी। और ऊपर से मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगाया है। यहाँ पे मैंने देसी घी यूज़ किया है, तो आप इसको बिना घी के भी तैयार कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा के इसको सेक रही हूँ। ये इतनी देर हम दूसरी चपाती तैयार कर लेते हैं रोल बनाने के लिए। इसको भी हम उसी तरह से बेल लेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमारा तैयार है। अब हम इसको प्लेट में उतार लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है बनके। इसी तरह से हम दूसरी चपाती तैयार कर लेंगे रोल बनाने के लिए, उसी तरह हाथ से बढ़ाते हुए। देखिए दो हमने बिल्कुल गेहूं के आटे से तैयार की हैं, कोई इसमें मैदा मिक्स नहीं किया है हमने। इसको भी इसी तरह दूसरी साइड हम हल्का सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से सेक लेंगे। इसको ऐसा हल्का हल्का ये चिपके से आने चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हमने इनको वो करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में मैंने यहाँ पे तेल लिया है और उसमें ये मैं बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं और इसमें मैंने 5 से 6 कड़ियाँ लहसुन की डाल रही हूँ काट के बारीक। आप इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ को इनको बारीक चॉप कर रखा है। तो ये मैंने शिमला मिर्च ली है 1/2 कप, इनको भी हमने बारीक रुपयों में काट लिया है। ये यहाँ पे 2 बड़े टमाटर हैं, इनको इस तरह से स्टर करिए आप घी में गैस को चलाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और 1/2 स्पून से भी कम ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है और ये थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। आप चाहें इसमें नमक मिर्च और तेज़ कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सोया सॉस लिया है इस तरह से। नमक आप देख के डालें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। और अब हम 1 चम्मच डाल रहे हैं इसमें रेड चिली सॉस और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ग्रीन चिली सॉस। आप चाहे तो सॉस की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या आप ग्रीन या रेड में से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों डाल रही हूँ, पर थोड़ी थोड़ी है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है टोमेटो केचप। तो यहाँ पे मैंने ये चारों चीज़ मिला के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है, ना मैंने यहाँ पे विनेगर यूज़ किया है। मैंने ये चारों सॉस डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये मैंने मैक्रोनी डाली है इसमें, इसको मैंने बॉयल कर लिया था पानी में, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा तेल डालकर इनको मैंने बॉयल कर दिया पहले। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप स्वीट कॉर्न, इनको भी मैंने 5 मिनट पहले बॉयल कर लिया था। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मैक्रोनी और स्वीट कॉर्न सब
अच्छी तरह से इस ग्रेवी से कोट हो जाए। यहाँ पे मैं हाफ चम्मच डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। देखिए हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने ये घर पे बना रखी है ग्रीन चटनी, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च, अदरक, और उसमें मैं थोड़ी सी 2-3 चम्मच दही मिला रही हूँ। ये दही मिला के मैंने यहाँ पे ये चटनी तैयार कर ली है, और इसको मैं इस पे चपाती पे लगा रही हूँ जिसका हम रोल बनाएंगे। इस तरीके से सारी चपाती पे इसको फैला ले अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है मैक्रोनी कॉर्न की, वो इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह डाल के इसको अब हम फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, बिल्कुल ऐसे और ऐसे। इसको दबाते हुए तवे पे हम आराम से इसको रख देंगे, थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से। ना तो हमारी चपाती कहीं से कच्ची है, ना इसमें मैदा मिक्स है, बिल्कुल हेल्दी होल व्हीट आटे से तैयार की गई है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये बच्चों को खिला सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे हम इस तरह से पलट के, अब इसको नीचे से सेक देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। आप बाहर का खाना भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से एक बार घर पे तैयार करके देखेंगे। देखिए ये हमारा चपाती रोल बिल्कुल तैयार है। अब उसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे, उस पर भी मैंने वही ग्रीन चटनी और दही वाला सॉस लगा लिया है पूरी चपाती पे फैला के। और अब इस पर मैंने 1 चम्मच टमाटो केचप फैला दिया, वो मैं उस पर मैंने टमाटो केचप नहीं लगाया था, ये मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने टमाटो केचप भी फैला दिया है। और ये हमारी मैक्रोनी और स्वीट कॉर्न वाली स्टफिंग इसमें लगा देंगे हम इस तरह से। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बट आज मैंने आपको सिर्फ इसी चीज़ की बना के दिखाई है। नेक्स्ट टाइम हम पनीर वाली भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने घी लगा दिया है तवे पे, और इसको भी हम पहले की तरह सेक लेंगे। ये सिक के तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो यहाँ पे मैं आपको अब कट करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल हेल्दी तैयार हुआ है ये रोल। आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और घर पे बिल्कुल आराम से बन जाता है ये। देखिए हमारा मैक्रोनी कॉर्न रोल बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो इस तरह से बनाएं और कमेंट करें, बताएं कि कैसा बना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।